ध्यान बच्चों, मैंने आपको इसके पिछले अध्याय में पाठ सात का, कक्षा सात का पाठ सात का क्या कर रहा था, चौथा पाठ हास्य बाल कवि सम्मेलनम, ठीक है, इसका मैंने पाठ भी करवाया था और कुछ प्रश्न उत्तर भी करवाए थे, ठीक है। अब उसके आगे का मैं आपको करवा दूं भाग दो, इसमें आपका लेसन पूरा पूर्णतः समाप्त हो जाएगा। अब देखो आप सब किताब खोलो और किताब खोल के आप देखो कौन सा भाग आपका, कौन सा क्वेश्चन हमें करवाना है। चार तक देखो पूरे हो गए, अब हम करेंगे प्रश्न पांच। प्रश्न पांच, अब प्रश्न पांच में क्या है, अधोलिखिताम अधोलिखिताम, अधो माने नीचे, लिखिताम माने लिखे हुए, नीचे लिखे हुए प्रश्नानाम प्रश्नानाम एक पदे, एक पदे यानी एक पद, यानी संस्कृत में पद होते शब्द, यानी एक शब्द में उत्तर दें, एक पदे लिखा ये, अर्थात हमें एक पद अर्थात एक शब्द में ही उत्तर देना है। पांचवा प्रश्न, नीचे लिखे हुए शब्दों को एक पद में लिखिए, एक शब्द में उत्तर दीजिए। प्रश्न पांच, अब इसका मतलब समझा दिया मैंने, नीचे लिखे हुए शब्दों को, प्रश्नों को एक शब्द में उत्तर दीजिए, अधेना होता है शब्द, और आता है एक वाक्य में तो पूर्ण वाक्य, क्या होता है पूर्ण वाक्य लिखा हुआ आता है तो पूर्ण वाक्य में उत्तर दो, परंतु एक पद में आता है भी एक शब्द में उत्तर देंगे। अब पहला क्या है, तो पहला है मंचे, मंचे से कहेंगे मंचे यानी मंच पर करती कितने बाल कवय, बाल कवय उपविष्टा शांति, शांति में है उपविष्टा में बैठे। अब क्वेश्चन है ये तो क्वेश्चन मार्क लो, मंच पर इसकी हिंदी भी लिख लो अनुवाद, तभी समझ आएगा। मंच पर कितने बालक बैठे हैं, उपविष्टा में बैठे हैं, और खड़े होने को आता है तो तिष्ठन्ति, क्या होगा तिष्ठन्ति माने खड़े हैं, मंच पर कितने बालक बैठे हैं। अच्छी तरह आपको समझ में नहीं आ रहा होता है तो कर किसके हैं, बालक बैठे हैं। अब आपको ये क्वेश्चन है, हिंदी बता दी मैंने, अब इसका उत्तर लिखो कितने बालक बैठे हैं, मैंने आपको बताया था ना। पहला पहली लाइन देखो, पहली लाइन आप ये देखो किताब खोलो, मंचे उपरि कितने चतवार है बाल कवर, कितने चतवार है अर्थात चार, आपको एक शब्द में उत्तर देना है, उसमें से ढूंढने की आत्मकाल करो चार अर्थात चतवार है, चतवार का मतलब क्या होता है चार, इसका भी मैं हिंदी बता दूं। ये आपका पहला हो गया, अब दूसरा देखो, दूसरा क्या है, के कोलाहलम कुर्वन्ति, के कोलाहलम कुर्वन्ति यानी शोर कौन कर रहे हैं, कुर्वन्ति का मतलब शोर कौन कर रहे हैं, अनुवाद तो पूरा से देख लो, के माना कौन, शोर
कर रहे हैं। कौन से कर रहे थे? श्रोतागण शोर कर रहे थे। तो आप उत्तर में क्या लिखोगे? श्रोतार। उत्तर श्रोतागण सुनने वाले। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है। यह ये छोटे छोटे मैं अनुवाद करवा रही हूँ तो आपको आंसर बड़े बड़े लग रहे हैं। अगर हम खाली एक और मन से गति बात जो है तो विश्वास भी आप तक बात लिखोगे। एक और अलग दो बनती है तो छोटा है लिखोगे। अब तो मैं हिंदी अनुवाद इसलिए करवा दूँ कि आपको हिंदी भी इनकी पता रहती है। डाल इसलिए खींचते हो डाल कि आप भी खींचे क्या डालो कि आपको पता एक क्वेश्चन पूरा समाप्त हो गया। ख पहला है ये ख है। अब ग वाला देखो, ग कौन सा है? गजाधर। कम उद्देश्य किस उद्देश्य से कम उद्देश्य काव्य प्रस्तुत की काव्य प्रस्तुत किस उद्देश्य से काव्य कविता सुना था? अनुवाद इसका मालिक हो गजाधर। किसको उद्देश्य करके काव्य प्रस्तुत करता है? काव्य प्रस्तुत करता है। अब बजाते थे इसमें अभिनय करता है वो आता है आश्रय वाली तो वो उत्तर उसका उद्देश्य क्या था? कहाँ लिखवाते हाँ तो आप लिखते जाओ ठीक है। पीछे मत रहो, पीछे रह जाओगे तो आपका काम छूट जाएगा। आधुनिक वैद्य यानी आजकल के वैद्य, आजकल के चिकित्सक वैद्य होते हैं आधुनिकम आधुनिकम वैद्यम आधुनिक वैद्यों को करके वो आधुनिक आजकल के वैद्य, आजकल के जो वैद्य होते हैं वो क्या क्या करते हैं उसको देख के उद्देश्य से कविता सुना जाता है। उसकी वो हंसी उड़ा उड़ा से वो कराता है। आजकल के वैद्य क्या करते हैं? सीधे ऐसे ऐसी दवाएं देते हैं कि लोग मर जाते हैं। तो हंसी मजाक कर रहे थे सब, उनको कविता द्वारा वो प्रस्तुत कर रहा था। अब है घ, अब घा में है तुम दिलह, तुम दिलह, तुम दिलह यानी जिसकी गोंद निकल रही थी। कस के ऊपर, किसके ऊपर? कस के ऊपर अष्टम आ किसके ऊपर हाथ फेरता है? वो सोता है
अनुवाद अनुवाद देखो इसका सुंदिल किसके ऊपर हाथ फिरता है अपनी तोंद के ऊपर सुंदिल इसके ऊपर हाँ फिरता है मैंने क्या बताया था इसको सिर्फ हाथ का भी सम्मेलन है तो लोगों को श्रोताओं को हंसाने के लिए ये काम करता है ठीक है इसके ऊपर हाथ फिरता है उत्तर उत्तरम रुद्रश के ऊपर ही कुंडलस्य ऊपर उनके ऊपर उत्तरम कर दिया करो उत्तर होते तो उत्तरम कर दिया करो ठीक है अब है डा डा वाला है लोके इस संसार में पुनः पुनः तो संसार में पुनः पुनः कानी भवंती क्या होता है अनुवाद नीचे वाला मिटाले सबने कर लिया होगा और आपकी समझ में नहीं आता वो आप पूछ सकते हैं ठीक है पूछो तो पूछो फिर आपको पूरा बताया जाएगा संसार में बार बार कौन होते हैं संसार में बार बार कौन होते हैं क्वेश्चन है तो क्वेश्चन मार्क लगाओ संसार में बार बार कौन होते हैं शरीराणि उत्तरम शरीराणि ठीक है अब है च देखो किम कृत्वा क्या करके अब देखो सारी इसमें हंसाने वाली बात है क्या करके घृतम पीवे घी पीना घृतम मतलब घी घी पीना चाहिए अनुराग क्या करके घी पिए क्वेश्चन अब उत्तर लिखोगे उत्तरम ऋण कृत्वा ऋण कृत्वा ऋण कृत्वा इस सबको उबाल कर लिया फिर मैं आगे आपको और करवा अब देखो आठवां जो क्वेश्चन है आपका पांचवा छठा छठा है आपका एक मंजूषा मतलब ऊपर शब्द दे दिए गए हैं आपके उसमें आपको पूरी एक कहानी करनी है ये मैं आपको बाद में भी कराऊंगी पहले मैं आपको दूसरी चीजें इसी पाठ से संबंधित ये पाठ से संबंधित भी कहानी है इसकी है राजा की और बंदर की ये मैं आपको पूरी कहानी बाद में लिखाऊंगी पहले आप इसी के पाठ के क्वेश्चन करो तो अगला क्वेश्चन ये उतार लिया सबने अगला देखो प्रश्न सात फ्रेंड्स
विलोम बनानी योग्यत, विलोम बनानी योग्य यानी मिलाओ, विलोम पदों को मिलाओ। मैंने विलोम पद अलग अलग दे दिए, अब आपको मिलाना है कौन सा विलोम शब्द है। अब मैं पहले लिखूं अध, इनको ऐसे लिखो, पहले एक लिख लो अल्पः, दुर्बुद्धि, दुर्बुद्धि उच्चै, और आत्मा है दुर्लभम, ठीक है। किताब ले लीजिए बैठो आप तो लिखते जाओ। अब लिखो नीचे, नीचे सुलभम, ठीक है। ऊपर ही बही और सुबुद्धे, सुबुद्धे। अब ये पांच हैं तो आपको नीचे लिखना है। अब पहले क्या है अधा, अधा का बही, अधा वाले नीचे, अधा का लिखो ऊपर, एक नंबर डालो अधा वाले नीचे और ऊपर ही माने ऊपर। अंत, अंत माने अंदर और बही माने बाहर, इसका दो नंबर लगाओ। दुर्बुद्धे, अपने आप देखो दुर्बुद्धे यानी जिसकी बुद्धि बुरी होती है उसको सुबुद्धे, अर्थात तीन नंबर लगा इसको। किसको लिखने ऐसे ऐसे उच्चै, उच्चै का ऊंचा, जोर से यानी नीचे, और दुर्लभम का अब एक बताया सुलभ, दुर्लभ यानी कोई वस्तु दुर्लभ होती दिखाई नहीं देती और सुलभ माने आसानी से दिखाई देती। अब इसको विलोम शब्द बनाओ, अध विलोम शब्द। अब पहला है अधा, अधा नीचे, अधा किसके साथ है, अधा का विलोम क्या हो जाएगा ऊपर ही, ठीक है। अब दूसरा है आपका अंत, अंत माने अंदर, अब अंदर को क्या लिखो गया वही, अंदर का क्या आया वही माने बाहर, वही अर्थात बाहर। तीसरा है दुर्बुद्धि, दुर्बुद्धि इसकी बुद्धि बुरी होती, दुर्बुद्धि यानी सुबुद्धि अच्छी बुद्धि वाला, सुबुद्धि का मतलब अच्छी बुद्धि वाला। चौथा देखो उच्चै, पहले इतने सरल है अपने आप देख सकते हो भूल सकते हो, उच्चै, उच्चै का नीचे, और लास्ट वाला है आपके दुर्लभम, दुर्लभम का क्या आ गया सुलभम, जो मुश्किल से चीज दिखाई देती है तो दुर्लभ कहते हैं, और सुलभ माने जो चीज हमें आसानी से दिखाई आसानी से मिल जाती है उसको सुलभ कहते हैं। तो ये आपके विलोम शब्द ऐसे मिलान है, आम मिलान मैंने बता दिया है, मैं बड़ी क्लास में मिलान करते हुए बड़ी क्लास में इसके आगे नंबर लिखा करो, और नंबर लिखने के बाद आप उसका उत्तर लिखा करो, ठीक है। ऐसे लिखो, छोटी क्लास होती है उसमें खाली मिलान कर देते हैं, योग जुटे का मतलब आप इसको आमने सामने लिखो, ठीक है। अब आपको ये एक क्वेश्चन है, ये हो गया उतार लिया होगा सबने कॉपी में उतार के, बार बार करना पड़ता है इनको याद कर लिया, उतारने के बाद इनको याद करेंगे जब आपको याद हो,
अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन करवा रही हूँ पूर्ण वाक्य में, ठीक है? पूर्ण, अब पूर्ण वाक्य में इसलिए करा रही हूँ कि आपको पता चले एक शब्द में एक पद में पूर्ण वाक्य सूत्र का क्या मतलब होता है, पहले भी करवा चुकी हूँ। अब जैसे पहला प्रश्न है सीताम, पहला प्रश्न सीताम यानी चिता को प्रज्वलिता, प्रज्वलिता नाम चिता को जलते हुए देखकर दृष्टवा माने देखकर कह, कह माने कौन, विस्मय बाकह, विस्मय बाकह जिसमें कौन हुआ, सीता को प्रज्वलित देखकर कौन आश्चर्यचकित हुआ। अब उत्तर लिखो आप इसका, अब देखो इसमें उत्तर, उत्तर लिखते हैं सीता, अब कहा क्वेश्चन है तो इसके जगह आंसर आ जाएगा सबका, बाकी आपको ऐसा कैसा लिखना है लिखो, बुरा लिखो सीता प्रज्वलिता दृष्टवा, अब कहा की जगह कौन आएगा, वैद्य, वैद्य फिर ऐसा कैसा लिख दो विस्मय विस्मय मान कहा, ठीक है आपका आंसर। अब दूसरा देखो ऐसे पूरा के माने कौन, हास्य कविता नाम, हास्य कविता श्रवणाए सुनकर, हास्य कविताओं को सुनकर उत्सुकता शक्ति कौन उत्सुक हो रहे थे, उत्सुकता शक्ति कौन हो रहे थे। अब के है क्वेश्चन, के की जगह आप लिखोगे श्रोतार, कौन है सुनने वाले, श्रोतार है फिर ऐसा कैसे है, हाँ कविता हाँ कविता सुनाए सुनकर उत्सुकता उत्सुकता शांति, ये श्रोता थे वो हास्य कविता को सुनकर बड़े ही प्रसन्न हो रहे थे। ये आपके एक वाक्य में उत्तर है। एक देखो छोटा सा परांजन, दूसरों का जन्म होता है पुत्र दुर्लभम, पराया अन्न कहाँ दुर्लभ होता है, उत्तरम आपको बुक से करा दूं, परान्नम लोके संसार में और जो उत्तर होता है वैसा ही लिखना पड़ता है, सिर्फ जो क्वेश्चन पूछा गया है जैसे इसलिए कहा यानी कौन ऐसा वैध आ जाएगा, बाकी ऐसे उत्तर जब आपको पता चलेगा जब पूरा पाठ अगर आप पूरा पाठ पढ़ लें तो आप कहीं भी क्वेश्चन के आंसर निकाल सकते हो। तो कहा कि जगह आ जाएगा वैद्य है, चिता प्रज्वलिता दृष्टवा वैद्य है, ठीक है। के हास्य कविता शरणाए उत्सुकता शक्ति, कौन हास्य कविता को सुनकर उत्सुक हो रहे हैं, कौन हो रहे थे हास्य कविता को सुनकर, कौन श्रोता है,
यानी सुनने वाला, ठीक है। अब परान यानी दूसरे का अन्न, पर माने दूसरा, दूसरे का अन्न पुत्र यानी कहा दुर्लभ होता है। परान्नम लोके दुर्लभ, तो याद आपका हो गया। अब मैं आपको ये आपका लेसन कंप्लीट हो गया। ये कहानी है, ये कहानी मैं आपको बाद में कभी करवाऊंगी। अल पाठ से अलग है ये कहानी, जो अभी तक पाठ से बिल्कुल ही अलग है। वानर और राजा की कहानी है, तो ये मैं आपको अच्छी तरह समझाऊंगी। या आपको ऐसा बोले ये बीच दिखाती, ठीक है। अब आपको इसको अच्छी तरह पढ़। धन्यवाद।